मौसम का जादू है मितवा। वैसे मुझे गाना नहीं गाना आता, सॉरी फॉर द बैड वॉइस। बेसिकली ये मौसम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि फेस्टिव सीज़न स्टार्ट हो जाता है, वेडिंग सीज़न स्टार्ट हो जाता है और स्टार्ट हो जाता है हमारा रेडी होना, क्योंकि इसमें हम बहुत फ्रिक्वेंटली रेडी होते हैं, अच्छे से कपड़े पहनते हैं, मेकअप करते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है। बाय द वे आज मुझे कहीं जाना था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये मेकअप लुक शेयर करती हूँ, और इसके साथ साथ मुझे 3-4 और वीडियोज़ भी शूट करने थे, बहुत बिजी शेड्यूल होने वाला है, तो फटाफट से मेकअप रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। और आज के मेकअप की खास बात यह है क्योंकि आज मैं मेबलिन फिट मी रेंज जो है वो यूज़ करने वाली हूँ और उसी से ये मेकअप करने वाली हूँ। वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल होने वाला है और ये मेकअप तो मैं अच्छे से दिखाऊंगी ही आपको, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ और भी बहुत सारे ट्रिक्स शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया, हेयर स्टाइल बना लिया, उसके बाद मैं जो है मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ फेस के ऊपर, क्योंकि स्किन केयर उतना ही ज़रूरी है जितना मेकअप। उसके बाद ना अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं कॉम्पैक्ट पाउडर क्यों लेकर बैठी हूँ, आज एक हैक शेयर करने वाली हूँ। मेबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर है, जितने भी आपको प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखेंगे ना सब मेबलिन के हैं, क्योंकि आज वन प्रोडक्ट मेकअप ब्रांड वाला वीडियो करने वाली हूँ मैं, वन ब्रांड मेकअप वाला वीडियो करने वाली हूँ, तो बहुत ही हल्का सा कॉम्पैक्ट लगाएंगे। ये हैक मैंने देखा था तो मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं, तो फटाफट से कॉम्पैक्ट पाउडर को मैं बहुत ही हल्का, बहुत ही लाइट से लेयर लगा लूँगी। उसके बाद मेकअप फिक्सर लेंगे, मेबलिन फिट मी का ही मेकअप फिक्सर है, उसे मैं अपने फेस के ऊपर लगा लूँगी और थोड़ी देर सूखने दूँगी। जब पूरा सूख जाएगा उसके बाद हम अप्लाई करेंगे प्राइमर, और ये ड्यूई प्राइमर है, इसमें दो तरीके के प्राइमर आते हैं, मैंने सिंगल वाला लिया है जो थोड़ा ग्लोई वाला ड्यूई वाला इफेक्ट देता है, वो वाला प्राइमर मैंने लिया है, तो ठीक है बहुत ही अच्छा है। सभी प्रोडक्ट्स की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेकआउट कर लेना। उसके बाद मेबलिन फिट मी का मैंने फाउंडेशन लिया है, 115 शेड है मेरा, और जब आप शेड लेते हैं ना तो बहुत ही अच्छे से अपनी स्किन से मैचिंग वाला ही शेड लेना, ठीक है, ज़्यादा लाइटर या ज़्यादा डार्कर वाला मत लेना, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है ना कि कई फाउंडेशन जो है ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं तो वो स्किन के ऊपर वाइट कास्ट छोड़ जाते हैं, तो वो बड़ा ही बुरा लगता है, तो एकदम एग्जैक्टली अपनी स्किन की शेड का ही लेना वो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे एक लेयर ही लगाऊंगी, उसके बाद मेकअप फिक्सर मैंने लगा के जो है इसे ब्लेंड कर लिया है। वैसे मेबलिन फिट मी की रेंज मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, पूरा का पूरा मेकअप इससे आराम से हो जाता है, चाहे एवरीडे मेकअप करना हो या फिर ब्राइडल मेकअप करना हो। उसके बाद मेबलिन फिट मी का ही मैंने ब्लश लिया है, पिंक कोरल सा शेड है, बड़ा ही प्यारा शेड है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, कलर पॉप ऑफ कलर आपकी चिक्स के ऊपर आ जाता है और बहुत ही नेचुरल लगता है, एकदम ऐसा नहीं लगता कि आपने अपने फेस के ऊपर कुछ अप्लाई किया हुआ है। मस्कारा से ही मैं आईब्रो सेट कर लूँगी क्योंकि मेरी आईब्रोज ऑलरेडी बहुत थिक है, तो मुझे ज़रूरत नहीं लगी आईब्रोज़ को फिल करने की, तो मस्कारा से ही मैंने कर दिया है। और अभी लैशेज़ का कमाल दिखाती हूँ, इससे वैसे इस लैशेज़ से ना लैशेज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखती हैं इस मस्कारा से, लेकिन हैक देखा था कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज़ पाउडर लो, उसे अपनी एक कोट लगाने के बाद उसे अपनी लैशेस के ऊपर अप्लाई कर लो एंड देन एक और कोट अप्लाई कर लो, इससे आपको फेक लैशेस वाला इफेक्ट मिलता है एंड ट्रस्ट वी बड़ा ही अच्छा लगता है। और ये मस्कारा ना उतरता नहीं है, तो आपको वाटरप्रूफ है, तो जब आप इसे उतारोगे तो थोड़ा ध्यान से उतारना, ठीक है। उसके बाद उसी आई शेडो पैलेट में से मैंने जो है हाइलाइटर वाला शेड लिया है और उसी से मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। वैसे तो बड़ा ही अच्छा ग्लो था, ज़रूरत नहीं थी हाइलाइटर की, पर मेरा मन कर रहा था तो इसलिए मैंने लगा लिया, और बस हल्का हल्का मैंने बहुत ही जस्ट टचअप दिया है और काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ रहा है, मतलब मेरा अभी मैंने लिपस्टिक भी नहीं लगाई तो भी मेकअप इतना ज़्यादा फ्लॉलेस लग रहा है। उसके बाद रेड लिपस्टिक ही लगा रही हूँ, आप लिप लाइनर लेकर जो है रेड लिप्स कर सकते हैं, क्योंकि मेरी ड्रेस के साथ रेड था, इयररिंग्स भी रेड थे, तो मैंने लिप्स भी काफ़ी बोल्ड रखे हैं रेड, और मेबलिन की ही मैंने जो है लिपस्टिक ली है और इसे मैंने अप्लाई कर लिया है, और ये रहा मेरा फाइनल लुक, बड़ा ही प्यारा लुक लगा है, किसी की नज़र ना लग जाए, आपको क्या लगता है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। इयररिंग्स ज्वेलरी सब कुछ पहनकर मैं रेडी हो चुकी हूँ, आपको क्या लगता है कैसा लगता है इस फेस्टिव सीज़न ये मेकअप लुक ज़रूर रिक्रिएट करना, और अगर रिक्रिएट करते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। सभी प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। चलो अभी इंजॉय करो ब्यूटी शॉट्स और मैं मिलती हूँ आपको फिर एक नई वीडियो के साथ, एंड सॉरी फॉर द बैड वॉइस क्योंकि गला खराब है। बाय, टेक केयर।